फेसबुक डाटा चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में लोगों को चिंतित कर दिया है। लेकिन डाटा की यह चोरी सिर्फ फेसबुक पर नहीं होती, व्हाट्सएप भी इसमें शामिल हैं। और इसमें डाटा लीक करने में खुद यूजर्स जिम्मेदार हैं। मुफ्त डाटा, टॉक टाइम, यहां तक कि आईफोन तक देने के नाम पर कई फर्जी कंपनियां व्हाट्सएप यूजर्स से उनकी निजी जानकारियां निकलवा लेती हैं, जिनका बाद में इस्तेमाल किया जाता है। शायद आपको पता नहीं पर ऐसे होता है व्हाट्सएप पर डाटा लीक। रोजाना व्हाट्सएप पर आपके पास ढेरों संदेश आते होंगे। इनमें शर्त बस यह होती है कि आप उस संदेश में दी गई लिंक को खोलें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। फिर उस संदेश को अपने व्हाट्सएप संपर्कों को भेजें। ज्यादातर यह संदेश और इनमें दी गई लिंक्स पहली नज़र में विश्वसनीय लगती हैं। भ्रमित होकर कई लोग इन निर्देशों का पालन कर लेते हैं। बस इतनी सी प्रक्रिया में ही आपकी अहम जानकारी लीक हो जाती है। और आपको बता दें कि मुफ्त जैसा कुछ नहीं होता। डाटा लीक से बचने के लिए सबसे जरूरी है यह समझना कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। अगर कोई आपको मुफ्त में कुछ देने की बात कर रहा है, तब भी उसे इसमें कुछ फायदा हो रहा होगा। लिहाजा ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। ज्यादातर ऐसा होता है कि संदेश में जो चीज मुफ्त में देने की बात लिखी होती है, लिंक में उसका कोई जिक्र नहीं होता। कई बार सरकारी फायदों के बारे में झूठे संदेश आते हैं, जिनमें url.in के बजाय .com पर खत्म होता है। लिंक को ध्यान से पढ़कर आसानी से समझा जा सकता है कि संदेश सही है या फर्जी है। आपको बता दे, ऐसे निकाली जाती है लोगों से जानकारी। आजकल व्हाट्सएप पर एक संदेश फैल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार मुफ्त सोलर पैनल बांट रही है। इन्हें पाने के लिए एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। URL में सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन लिखा है, मगर वह .com पर खत्म हो रहा है, न कि भारत सरकार के gov.in पर। इस लिंक पर क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा, जिसमें लिखा होगा कि अगर आप हर घर रोशन अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर रजिस्टर कराएं। इस पेज पर कई विज्ञापन भी हैं, यानी वेबसाइट चलाने वाला विज्ञापनों से कमाई कर रहा है। जानकारी देने के बाद अगला पेज आपको इस लिंक को व्हाट्सएप पर अपने 10 दोस्तों से शेयर करने का निर्देश देगा। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर पाने के लिए क्लिक करेंगे, तो अगला पेज आपसे ऐप डाउनलोड करने को कहेगा। आपको एक सोलर किट नंबर भी दिया जाएगा, जो किसी काम का नहीं होगा। ऐप डाउनलोड करके आप इस फर्जी वेबसाइट को बनाने वाले शख्स को फायदा पहुंचाएंगे।